हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिदे के एंड वेलकम टू टेक्सोर। क्या आपके आईफोन में ओटीजी कनेक्ट नहीं हो रहा है? अगर आपके फोन में ओटीजी केबल की मदद से आपका पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, आपको एक ओटीजी कनेक्टर ले लेना है। ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ये मुझे मिला था 400 रुपीज का, क्योंकि आईफोन का है, MFI सर्टिफाइड है, इसलिए ये महंगा आता है, ठीक है। और इसे आपको अपने पेन ड्राइव में कनेक्ट कर लेना है। एक आप अपने पेन ड्राइव को इसमें डाल लें, ध्यान से आराम से डालें, ज़बरदस्ती घुसाएं ना। नहीं जा रहा है तो आप टर्न अराउंड करके आराम से इसे लगा लें। इसके बाद यहाँ पर लाइटनिंग पोर्ट में इसे आराम से डाल दें। तो इसके बाद आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर लें। तो अब आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाएं। अब यहां से आप स्क्रॉल कर लें नीचे की तरफ, फेस आईडी एंड पासकोड दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें। यहां पर आप अपना पासवर्ड इंटर कर लें और नीचे की तरफ जाएं। यहां पर आपको एसेसरीज दिखाई देगा। कोई कोई आईफोन में USB एंड एसेसरीज होगा, तो बोथ आर सेम, दोनों सेम होता है, आपको इसे ऑन कर लेना है। आपने ये ऑन कर लिया, इसके बाद आप अपने फाइल मैनेजर में जाएं, यहां पर बैक करें जब तक यहां पर आप ना जाएं। तो देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा आपका पेन ड्राइव, ठीक है। बट जिन लोगों को पेन ड्राइव इस तरीके से नजर नहीं आता है, वो अपनी प्रॉब्लम कैसे सही करें? देखिए सबसे पहली चीज, आपने जो भी ओटीजी केबल या ओटीजी पेन ड्राइव कनेक्ट किया है, जो भी खरीदा है आपने ओटीजी केबल या पेन ड्राइव, ये MFI सर्टिफाइड होना चाहिए। अगर आपने ऐसे ही कहीं से खरीद लिया है, हो सकता है ये नकली है, तो ये आपके आईफोन से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो आप दूसरा कोई इसे बदल के कनेक्ट करें। अब इसके बाद ये तो सही होता है, ये 90% में ये MFI सर्टिफाइड ही मिलता है, बहुत कम केसेस में ये गलत मिलता है। लेकिन ज्यादातर प्रॉब्लम होती है पेन ड्राइव के साथ। होता क्या है कि पेन ड्राइव खराब हो जाते हैं, बहुत दिन से अनयूज होने की वजह से, ना यूज होने की वजह से पेन ड्राइव खराब हो जाते हैं। तो आप किसी और कंप्यूटर या लैपटॉप में इसे कनेक्ट करके देखें, कहीं ये तो खराब नहीं हो गया है, ठीक है। बट आपका ये दोनों सही है, फिर भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली आप अपने आईफोन को एक बार बंद करके चालू कर दें। तो सिंपली आपको अपने आईफोन को बंद करके चालू करना है। फोन के पावर बटन को और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ दबाएं और यहां से आईफोन को स्लाइड करके बंद कर दें। बंद होने के बाद आप इसे वापस से पावर बटन दबा के ऑन करें। ऑन होने के बाद अब आप वापस से इसे कनेक्ट करें, अपने आईफोन से कनेक्ट कर लें और वापस से फाइल मैनेजर में जाके चेक कर लें ये कनेक्ट हुआ है या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं यहां पर वापस से ये कनेक्ट हो चुका है, मेरा सब परफेक्ट। अब अगर अभी भी ये कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आप एक बार चेक कर लें, कोई अपडेट तो नहीं आया आपके आईफोन में। तो फोन की सेटिंग्स में जाएं और जनरल के ऑप्शन में जाएं और सॉफ्टवेयर अपडेट के ऑप्शन में जाएं। यहां पर चेक कर ले, अगर कोई अपडेट आया है तो आप उसे प्लीज अपडेट कर ले। बहुत बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर आप बहुत टाइम से अपडेट नहीं करते हैं, जिनकी वजह से बग्स आ जाते हैं और इसी वजह से कोई भी एसेसरीज या पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं होता है आपके आईफोन से। अब आपने सब कुछ कर लिया, प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई है, तो आप एक बार नेटवर्क सेटिंग्स रीसेट कर लें या फिर फोन की जो सेटिंग्स है उसे डिफॉल्ट में ले आएं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले फोन की सेटिंग्स में जाना है और इसके बाद यहां पर जनरल के ऑप्शन पे चले जाएं। अब इसके बाद यहां पर बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करें, आपको यहां पर दिखाई देगा ट्रांसफर और रीसेट आईफोन, इस पर क्लिक करें। यहां पर रीसेट का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करें। यह होगा रीसेट ऑल सेटिंग और रीसेट नेटवर्क सेटिंग। मैं आपको रिकमेंड करूंगा रीसेट ऑल सेटिंग्स कर दे, डरिए मत, कोई भी आपका डेटा डिलीट नहीं होगा, बस जो भी सेटिंग्स आपने खुद से उल्टी सीधी कर दी होगी
वो डिफ़ॉल्ट में आ जाएगी और इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आप बस रीसेट ऑल सेटिंग्स पे कर दें एंड इसके बाद आप देखें कनेक्ट करके अपने पेन ड्राइव को अपने फ़ोन से प्रॉब्लम सॉल्व। अब मैं आपको बताता हूँ, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है तो आपको एप्पल के जो कॉन्टैक्ट सपोर्ट है उससे एक बार हेल्प ले लेना है। वो आपकी ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, वो आपके फ़ोन का एक्सेस ले लेंगे ऑनलाइन और खुद से देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आपको उसको असिस्ट करेंगे और वो कुछ भी चार्जेस नहीं लेते हैं, फ्री में कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब जरूर कर दें।